जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, वो खोया खोया सा रहता है। क्या था अगर तुम उससे शादी कर ली तो? ऐसा ही तो सब कुछ नहीं होता। हालांकि वो मैं जानती हूं कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन क्या करूं, हाँ हूं ना मैं, अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती ना। उसको बेबस कर दिया। मैं चलती हूँ खान। रुको, शिकवा सुन के जाओगी, तारीफ नहीं सुनूंगी। बेबस तो हुआ है वो, लेकिन तुम्हारे प्यार ने उसको जिम्मेदार बना दिया। नौकरी कर रहे है और बाहर जाकर कमाना चाहता है। मैं जब उसे पहले नौकरी का कहती थी ना, तो पता है मुझसे लड़ता था वो। लेकिन तुम्हारी चाहत में उसको जिम्मेदारियों की पहचान करना बताती है। इस मामले में मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। एक दरख्वास्त करती हूं तुमसे, जब तक वो यहां से चला ना जाए, इस मोहल्ले में मत आना। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें देखकर अपने जाने का इरादा बदले। ले जा उसे, ये जा रही। इरसा, क्या कहा है आपने उसे? जाओ जाके दरवाजा बंद कर। तुम कब आई? अब्बा बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा, आओ ना अंदर आओ, आओ। अब्बा मैं जरा जल्दी में हूँ आज। तुम मुझसे ही मिलने आई हो ना? जी जी, कैसी तबीयत है आपकी? जी रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। अंदर आओ ना, अंदर चल के बताता हूँ। आओ आजा 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 आजा।
अरे तेरा अपना ही घर है, बस जरा ये ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पाता मैं। ये आ जा, आ जा, आ जा, बैठ बैठ बैठ, आए जा, आ जा, आ जा। तू सुना, ऐश कर रही है ना फिर है? अरे साहब ने तो बेगम साहिबा बना के रखा हुआ तुझे है? बड़े नखरे उठाते होंगे तेरे। अब्बा वो मैं एक काम से आई थी, दरअसल पैसे। पैसे? मुझे पैसे देने आई है तू? बोल ना, चुप क्यों हो गई है तू? साहब ने महीना बांधा तो है आपका, हर महीने वक्त पे मिलते हैं पैसे आपको। ओह, तो साहब ने तुझे भी बता दिया? बताया नहीं है, सुन लिया था मैंने, वरना आप तो नहीं बताते, बस लेते रहते एहसान उनका। एहसान? काहे का एहसान? दामाद है मेरे साहब जी, समझ आई है? और ये सब मेरी वजह से हुआ, ये जो तेरी शादी हुई है, ये जो इतना महंगा बैग, ये इतने कीमती जोड़े पहन के जो टिक 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 घूमती है ना, ये सब मेरी मेहरबानी है। हाँ, ये रख ले। लगता है साहब से शादी करा कर मैंने कोई गलती नहीं की है, है? तेरे साथ साथ मैं भी ऐश करूंगा। बड़े अच्छे हैं साहब, बड़े अच्छे हैं साहब हैं। सबा आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। अरे क्यों पूछूं? मुझे पता है कि साहब ने तुझे सेठानी बना के रखा हुआ है। मेरा साहब जो है ना, बहुत बड़े दिल का मालिक है, वरना वो मेरे जैसे गरीब की बेटी से कभी शादी नहीं करते, समझी? अरे वरना था क्या हमारे पास है? यहाँ तो लोग गरीब से ऐसे भागते हैं जैसे छूत की बीमारी हो। अरे यहीं पड़ी रहती तू मेरे पास, ये गली मोहल्ले में से कोई आवारा आ जाता तुझे ब्याहने के लिए। साहब और तेरी उम्र में फर्क है, लेकिन उन्होंने हमारी गरीबी और अपनी अमीरी का फर्क खत्म कर दिया है, कभी सोचा है तूने? अरे जब सोचेगी ना तो फिर तुझे साहब की कदर आएगी, समझी? अच्छा अब्बा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अरे बैठ ना, मैं तेरे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। नहीं मैं जल्दी में हूँ, दुआ करिएगा मेरे लिए, सुना है बाप की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह हाफिज। दुआ करूं? ना नमाज ना रोजा, मैं तो हूं ही इसी किस्म का आदमी। दुआ करूं या नशा? अरे ये जब भी आती है ना लड़की, सीधा किसी मुसीबत में ही डाल जाती है मुझे। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा इरसा आई थी? कब? वो तो यहाँ पे नहीं आए। माँ अभी मैंने उसे गाड़ी में यहाँ गुजरते हुए देखा है। अपने अब्बा से मिलने आई होगी। उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है। और घर में आई होगी।
लेकिन यहाँ नहीं आई है जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही? घर गई थी। किसके घर? बानो क्या? वही जो जमशेद की बहन है। कंफर्म करने गई थी कि फैजल पैसे दे आई है या नहीं। मैंने फैजल को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था। अनबिलीवेबल। छोटी मामा, आपने मुझे खुद ही तो बोला था कि पापा से किसी तरह से 1,00,000 रुपए लेकर जमशेद तक पहुंचा दूं। कमाल, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मुझे तो खुद वहां जाकर पता चला है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आयजल को क्या जरूरत पड़ी है मुझसे पैसे लेकर वहां देकर आने की, वो भी तुमसे बगैर पूछे। आप खुद सोचे ना, अगर मैंने आयजल को कहा होता पैसे देने के लिए तो मैं खुद पैसे लेकर क्यों जाती? इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आयजल प्लीज बेटा। ओके पापा। आप बानू से फोन करके पूछ रहे हैं? बानू से क्यों? जिसको पैसे दिए उससे क्यों ना पूछूं? मैं उससे नहीं मिली थी। स्टॉप लाइंग। हद होती है झूठ बोलने की। कमाल, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब कुछ? आप मुझसे कुछ कह रही हैं? I'm sorry, बहुत important call आ रही है। I'll catch you later. तुम्हें उससे पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। क्यों मांगे तुमने उससे? मैं तो आपकी मदद करना चाह रही थी। सारी दुनिया मर गई थी क्या? क्या भरोसा नहीं है तुम लोगों को मुझ पे कि मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ, जो तुम दूसरों से मांगती फिर रही हो? अरे मैं तो उसको अपना समझ। अपनी नहीं है वो। ये बात तुम लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रही है? अरे वो बेवकूफ मेरी मदद करने के लिए मुंह उठा के चली आई, ये भी नहीं सोचा कि लोगों को उसका इस घर में आना नागवार गुजरेगा। देखिए काम कर, अभी इसी वक्त जाओ और उसे ये पैसे वापस करके आओ। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके वापस करके आता हूँ। भाई रुको, कोई जरूरत नहीं उसके घर जाने की, उसके लिए मुश्किल बन जाएगी। पता नहीं क्या कहकर आई होगी यहां। चलें, आपने इतना तो माना कि वो यहां आई थी। मैं मानती हूं कि हम माँ बेटी से गलती हुई है, लेकिन हम कोई गलती मत कर बैठना।
आपको क्या जरूरत थी भाई से झूठ बोलने की कि वो यहाँ नहीं आई है? तुमने इरशा से मदद क्यों मांगी? इसलिए कि भाई बाहर जाए और इरशा को भूल के एक नई जिंदगी शुरू करे। और किस लिए मांगूंगी मदद? मैंने भी तो यही चाहा था। मैं डर गई थी बानो कि अगर जमशेद को पता लगा कि वो यहाँ पे आई थी, वो अपने उठे हुए कदमों को ना रोक ले। और फिर से कोई नई उम्मीद ना बांध ले इरशा से। हो गया ना, कर दिया ना आपने। अब इतने गुस्से में निकल के गए, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह मालिक है, अल्लाह रहम करेगा। Guys, I cannot tell you की शक्ल जो ना देखने वाली थी। तुमसे मुझे ऐसे क्यों देख रहे? आइसल, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब जो भी कर रही हो ठीक कर रही हो? मैंने गलत क्या किया? किसी की पीठ पर खंजर तो नहीं मार रही ना मैं? जो कर रही हूँ सीना तान के कर रही हूँ। मगर आइजल, तरीका तो गलत है ना? क्या गलत है? अपने हक के लिए लड़ रही हूँ मैं। अपने हक के लिए लड़ना गलत है क्या? गलत है बताओ मुझे। उसने मुझसे मेरे पापा का प्यार छीना है, मेरी मामा की जगह लेने की कोशिश कर रही है वो, और ऐसा ऐसा करके हर चीज पे कब्जा कर लेगी वो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। उससे मैं इस घर से निकल बाके रहूंगी। ये जमशेद का घर कौन सा है? जमशेद का घर ये रहा और ये रहा जमशेद। जमशेद जी बोलिए, कुछ बात करनी है। अंदर आ जाइए। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, कहीं आराम से बैठ के बात करें। जी एक मिनट। बानो, मैं थोड़ी देर के लिए इनके साथ जा रहा हूँ, परेशान मत होना।
भाई लेकिन मैं आ रहा हूँ ना, बस थोड़ी देर के बाद। अम्मी छोटी मामा, आपने मुझे खुद ही तो बोला था कि पापा से किसी तरह से 1,00,000 रुपए लेकर जमशेद तक पहुंचा दूं। आप बानू से फोन करके पूछ रहे हैं? बानू से क्यों, जिसको पैसे दिए उससे क्यों ना पूछो? मैं उससे नहीं मिली थी। स्टॉप लाइन, हद होती है झूठ बोलने की। हेलो 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 इर्सा, बानो तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? वो इर्सा साहब आए थे। कमाल। हाँ, और वो जमशेद भाई को अपने साथ ले गए। जमशेद को साथ ले गए कहाँ? मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी यहाँ रोए जा रही है, तुम कुछ करो ना प्लीज। तुम साहब को फोन करके पूछो जमशेद भाई खैरियत से तो है। मुझे तो मैं इससे बात करती हूँ, दो फोन। अच्छा ठीक है, अभी जाकर इसके बाप से मैं बात करती हूँ। अम्मी अम्मी अम्मी, आरिफ चाचा से बात करने चली गई हैं। बानो मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कभी जमशेद से नहीं कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तुम जाके रोको खाला को, पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाएगी, अब्बा के घर आना जाना रुक जाएगा मेरा। प्लीज तुम जाके रोको उन्हें। हाँ मैं जाती हूँ, तुम आपसे बात करोगी ना? हाँ मैं बात करती हूँ, तुम जाके उनको रोको। ठीक है। अम्मी
कब से जानते हो अरसा को? जी बहुत सालों से, हम दोनों बहुत छोटे थे तब से हम दोनों। मैंने ये पूछा है कब से जानते हो, ये नहीं पूछा कब से चाहते हो, क्योंकि किसी को जानने में और चाहने में बहुत फर्क होता है। जितना मैं जानता हूं उसके मुताबिक इरसा ने कभी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं, कभी तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। अब तुम ये सोचोगे कि ये सब मैं कैसे जानता। जी ऐसा ही है, इरसा ने बताया मुझे। मैं जानता हूं ये सब सच है, मुझे इसकी रिकन्फर्मेशन की कोई जरूरत नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि वो कब सच बोलती है और कब सच छुपाती है। कभी सोचा है तुमने, तुम्हारी उम्र के लड़के को छोड़ के उसने मुझ जैसे आदमी से शादी क्यों की? कभी ये सोचा कि तुम में और मुझ में उम्र के अलावा और क्या फर्क है कि उसने तुमसे शादी नहीं की बल्कि मेरा इंतखाब किया? साहिर सी बात है, दौलत की वजह से और क्या। मैं जानता था तुम यही कहोगे। तो तुम्हें यह लगता है कि इरसा लालची है? नहीं नहीं जमशेद, तुम नहीं जानते इरसा को, सिर्फ जानने का दावा करते। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें कह सकता हूं कि वो मेरी बीवी है, उससे दूर रहो, अपना पैसा जरा इस्तेमाल करके तुम्हारा वो अशर करूं कि तुम्हारे सारे घर वाले तुम्हें सारी जिंदगी भी ढूंढते रहे तो तुम्हारा पता ना चले, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। तुम्हारी तरह मैं भी शरीफ आदमी हूं, सिर्फ ये कहूंगा कि दूर रहो उससे क्योंकि इरसा ऐसा चाहती है। वो कुछ नहीं। और एक बात और, इरसा की जिंदगी में तुम्हारी अब कोई अहमियत नहीं है, और अगर वाकई तुम इरसा से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें चाहिए कि उसकी ख्वाहिश का एहतराम करो। चाय खत्म करो फिर तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ऐसी खुशी मिली ना मुझे घर आते कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। आई नो मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूं। एक्सक्यूज मी, क्या हरकत है? इतने बड़े आदमी की बीवी बन गई हैं आप, आपको इतना नहीं पता कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है? और जो तुमने मेरे साथ किया है वो करते? मैंने क्या किया है? कमाल जमशेद को पता नहीं कहां लेकर चले गए, उसकी अम्मी ने मेरे अब्बू के सामने जाकर तमाशा किया, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई हूं मैं तुम्हारी वजह से। तो फिर क्या? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार नहीं किया है मैंने उससे, इनफैक्ट किसी से भी नहीं किया। कैसे समझाऊं ये बात तुम लोगों को मैं? अगर उससे प्यार करती तो शादी उससे करती, कमाल से नहीं। लेकिन अब कर लिए शादी तो निभा कर दिखाऊंगी, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, कमाल को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छी तरह समझ लो ये बात। We'll be right back.
होपफुली आइंदा मुलाकात नहीं होगी। मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन आपको दो मिनट रुकना होगा प्लीज। क्या कह रही हो शमी? हाँ हाँ रजिया, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कितनी बार इन दोनों को मैंने बातें करते हुए देखा है। मैंने तो आरिफ भाई से कहा भी था कि अपनी बेटी को समझाएं। उन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन ये लड़की समझती नहीं है। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। क्या बकवास कर रही हैं आप? वो बेटा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जमशेद, ये तुमसे बात नहीं कर रही। एक मिनट, क्या बोल रही थी आप? अगर आपने इरसा के बारे में एक भी लफ्ज कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाइए मेरे घर यहाँ से। भाई जाइए। तुम्हें मैंने कुछ रखने के लिए दिया था ना, लाके दो मुझे। जमशेद, ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हारी तबीयत ये नहीं की है। बानो चलो। ये रहे आपके पैसे, गिन लीजिएगा। क्या हो रहा है? ये कर रहा होगा कोई अपनी सेटिंग? हाँ इसका जो है समझ नहीं आ रहा सिस्टम क्या चाह क्या रहा है ये। मैं तो समझा था तुम पिस्टल लेकर आओगे मुझे शूट करने के लिए। आप इरसा के शौहर हैं, मैं आपको तकलीफ देने का कैसे सोच सकता। और क्या कर रहे हो? बानो ने मुझसे पूछे बगैर उसको कॉल कर दी। आपके उसके पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है, इतना भी हक नहीं है कि आपसे या उससे हम कर्जा ले सके। आप बेफिक्र रहिएगा, मैं आइंदा इरसा, मेरा मतलब है कि आपकी वाइफ की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊं। देखे वो कल मेरे कहने पे नहीं आई थी, बानो के कहने पर आई थी और उससे मिलके चली गई थी। रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन वो नहीं रुकी। आप ठीक कह रहे थे, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। इसका ख्याल रखिएगा, चलता हूं। हाँ भाई, क्या कह रहा था तुम्हारी साहब का मंगेतर का शौहर? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हम बकवास नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी अम्मा पूरे मोहल्ले में चिल्लाती फिर रही है कि इरसा का शौहर मेरे बेटे को ले गया। और ये भी कि तुम तो बड़े नन्हे काके हो, उसी ने फसाया होगा तुम्हें। तुम्हारी अम्मा कह रही है, तुम्हारी अम्मा मुन्ने। क्या बकवास कर रहे हो आप? खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है? अंदर जाइए, चाहे आप लोग निकले यहां से, निकले। चले अंदर अम्मी, चले।
हेलो। फिक्र ना करो, कुछ नहीं कहा मैंने उसे, जो समझाना था समझा दिया है और होपफुली वो समझ जाएगा। अभी अभी घर ड्रॉप किया उसे, थोड़ी देर में तुम्हें भी उसकी खैरियत की इतला मिल ही जाएगी। बाकी बातें शाम में आके बताता हूँ कि क्या डिस्कशन हुई है। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।